शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी से करने लगा हूँ और मैं बड़ी दलेरी से करने लगा हूँ ये भी फासद नज़रिया है कि ना सुन्नत परमल किया जाए ना शरियत परमल किया जाए नमाज़ की पाबंदी की जाए ना हलाल हराम की तमीज की जाए और डट के कहा जाए कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है माफ कर देगा डट के कहा जाए कि धोजक में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा यह भी फासद नजरिया है फासिद ये भी आप लोगों को गलत रस्ते पर डाल रहे हैं जिनकी शफात की आप बात करते हैं उनका हुक्म क्यों नहीं मानते अपने बारे में आप ये बात करें ना कि मेरा बच्चा बिल्कुल नाफरमान है एक बात भी नहीं मानता लेकिन मैं सबसे ज्यादा जायदाद उसे दूंगा करें बात आप ये मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान है कुछ पढ़ता नहीं लिखता नहीं पर मुझे बड़ा लाडला है करें बात आप जो बात आप अपने लिए कबूल नहीं करते वो फटाफट अल्लाह रसूल कर नहीं जी नहीं ये अल्लाह बड़ा मेहरबान है मौली साहब छोड़ो अल्लाह बड़ा करीम है ओ भाई रब करीब है पर रब का कानून भी तो है ना नबी पाक बड़े मेहरबान बड़े मेहरबान बड़े मेहरबान पर सैयद आयशा अल्लाह सिद्धिका रज्लाह फरमाने लगी अपनी जात के लिए नबी पाक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया लेकिन अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ता था ना रब के दीन की हदूद पामाल करता था तो हजूर जलाल करते थे तो रामत लालीन नबी को तो जलाल आता है जब अल्लाह की नाफ़रमानी फरमानी हो और यहाँ लोग कह रहे हैं और छोड़ें जी अल्लाह माफ़ करने वाला है नाथ खाता है वह दो मिनट लगाता है कहता है तो जन्नती खतीब आया तो दो मिनट लगाए तो कहा जन्नती मैं एक जगह पर तकरीर करने के लिए चला गया तो मैंने वहाँ चंद बातें कर दी तो मैं खाना खाने बैठा तो बड़ी दलेरी से एक साहब कहने लगे जी मौलाना पी सा नाराज नौ ना, नाम कलंदर लोग हैं हम कलंदर बंदे नाराज़ ना होना हम तो समझे थे आप खानक आदमी हैं पीर आदमी हैं लेकिन आपने तो खुश्क मौलवियों जैसी तकरीर की है बार बार वही नमाज की बात दाढ़ी की बात रोज़े की बात हलाल आराम की बात कोई नुकताफ्री नहीं करते कोई आप कोई नुकता सुनाते ये आपने क्या सुनाया ये तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम कलंदर हो तुम कलंदर नहीं तुम पागल हो अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिले तो जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ इसलिए कि कलंदर उसे कहते हैं जो जाते मोहम्मद से खोल के इश्क किया करता है और आशिक तो मर जाता है उस बात पर जो उसका महबूब कहे वो तो मर जाता है उस रस्ते पर जो एक रस्ता महबूब दिखा दे तू कलंदर है मैं तुझे बताता हूं कलंदर का नाम हसन बसरी है कलंदर का नाम जुनेद बगदादी है कलंदर का नाम दाऊद ताई है कलंदर का नाम सिर्री सख्ती है कलंदर का नाम मारूफ करखी है कलंदर का नाम मुजद अल फसानी है कलंदर का नाम मेहर अली है कलंदर का नाम जमाते अली है कलंदर का नाम मोहम्मद रजा बरेलवी है ये कलंदर है रसूल के दिन हमने क्या मजाक बनाया हुआ है फासद नजरियात आप लोगों में फैला रहे हैं। और आप चूंकि आपका मिजाज है कि आप अमल नहीं करना चाहते तो आप लोगों को भी गड़बड़ नजरिया दे रहे हैं कतन ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है याद रखना नबी सलाम तो नाराज हो जाते अगर अल्लाह की हद तोड़ी जाती और यहाँ ढटाई के साथ दलेरी के साथ आप उदूदुल्ला पामाल करें ये फासद नजरियात हैं याद रखना फासद जो, जो जमाने में फैलाए जाते मुस्द इमाम महमद भी नंबल में हदीस है नबी पाकसलम ने फरमाया वह बंदा बेवकूफ़ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे ये तो बेवकूफ़ आदमी की अलामत तो मेरे दोस्त अमल वाली जिंदगी पे आओ ये फासद नजरियात जो हैं इनसे निकल आओ